अभी हम स्टार्ट करने वाले हैं एक्सपेरिमेंट नंबर 14, जो है, जो हम 13 जैसा एक्सपेरिमेंट है सेम वैसा ही है, सिर्फ अभी 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 हम क्या कर रहे हैं, इस क्लोज लूप में डिस्टरबेंस कहीं पे नहीं दे रहे। तो अभी इस 14 नंबर एक्सपेरिमेंट में अपना इलेक्ट्रिकल कनेक्शन सेम रहेगा जो 13 नंबर एक्सपेरिमेंट में था, सिर्फ हम अभी क्या करेंगे, हम एयर को थोड़ा डिस्टर्बन देने वाले हैं। वो डिस्टर्बन देने की वजह से आपने डिस्टर्बन देने के बाद अपना आउटपुट मेजर वेरिएबल चेंज होगा, तो इसकी वजह से कितना जल्दी मेरा अचीव करता है, टारगेट को अचीव करता है। तो इस हिसाब से मैं पीआईडी का वैल्यू अभी मैं सेट करूँगा। तो इसके लिए मेरे को चाहिए डिस्टर्बन के लिए, अभी डिस्टर्बन के लिए मैं इलेक्ट्रिकल कनेक्शन पूरा जो 13 में यूज़ किया था वही सेम रखने वाला हूँ। खाली डिस्टर्बन के लिए मैं क्या रख रहा हूँ, जो 13 का उसके जैसा था उसमें खाली एक आउटपुट में एक वॉल लगाने वाला हूँ। इसमें एक टी कनेक्शन लगा के इसमें एक टी कनेक्शन लगा के इसका आउटपुट मैं इस वॉल में दे रहा हूँ। ये वॉल को जब मैं ऑपरेट करूँगा तो यहाँ से इसका प्रेशर रिलीज होगा, इसका मतलब उसको डिस्टर्बेंस आएगा। और जो अपने को प्रोफेशनल वॉल का एक प्लॉट क्लोज रखना है उसके लिए मैं एक इसको प्लग कर दूंगा कि इसका एयर यहाँ से निकले ना, इसके लिए मैं एक FR यूनिट लगा के ये नीचे लगा दिया। खाली मैंने अभी 13 में क्या अलग से किया, जो डायरेक्टली जो अपना इस दोनों इसका आउटपुट प्रेशर सेंसर को जा रहा था तो वो ना जाके मैंने बीच में टी लगा दिया। तो यहाँ से मैं उसका टी लगा के मैंने इस वॉल को एक प्रेशर दे दिया, यहाँ से मैं प्रेशर रिलीज करूँगा तो इसको एक यहाँ का जो प्रेशर वेसल है उसमें डिस्टर्बन आएगा। डिस्टर्बन आने के बाद वो अपने उसको टारगेट चेंज हो गया, तो टारगेट तो कितने टाइम में वो अचीव करेगा वो अपने अपने को ऑब्जर्व करना है। तो इलेक्ट्रिकल कनेक्शन सेम रहेगा, खाली मैंने इसमें इसके आउटपुट में ये वाला ऐड किया है। ओके, तो अभी जस्ट हम स्टार्ट करते हैं। अभी एयर सप्लाई को ओपन कर देते हैं। अभी हम टारगेट 25 कर देते हैं, 25 मतलब 2.5 बार। फर्स्ट फिर ये ऑन करते हैं, CRO ऑन करते हैं। CRO में इसका इनपुट और आउटपुट का क्या ये दिखा रहा है। अभी इसका PI का वैल्यू हम सेट करते हैं।
पी का वैल्यू मैं कम कर रहा हूँ, 100 कर दे रहा हूँ पी बी वैल्यू। पी 100 कर दिया, आई का वैल्यू 5 है, डी का वैल्यू 7 है, उसको थोड़ा कम और कम कर देता हूँ। डी को मैं 2 कर देता हूँ, सेट हो गया। अभी सेट पॉइंट है मेरा 25। अभी मेरा ये टारगेट अचीव हो गया, 2.4 यहाँ पे प्रेशर दिख रहा है, 2.4 2.5 इस प्रेशर, ये मेरा टारगेट अचीव हो गया। अभी मैं इसको थोड़ा डिस्टर्बन दूंगा। डिस्टर्बन देने के लिए मैं क्या करूँगा, ये जो वॉल है इसको थोड़ा, इसको डिस्टर्बन दिया, अगेन स्टडी को डिस्टर्बन दिया, देखो कितने जल्दी एक ओवर शूट होके अंडर शूट होके अचीव कर दिया। मीन्स यू हैव टू परफेक्ट योर ट्यूनिंग, जो पीआईडी का जो ट्यूनिंग है अभी परफेक्ट है। मैं इसको देखो डिस्टर्बन दे रहा हूँ, डिस्टर्बन देने के लिए मैं इसको प्रेस कर रहा हूँ, डिस्टर्बन दिया, यह सबको पता चल रहा है कि आप टारगेट टारगेट को मूव करवा रहे हो तो मूवमेंट हो रहा है। फिर से ऐसा डिस्टर्बन देके आपको, जो आपका अगर पीआईडी का ट्यूनिंग प्रॉपर होगा तो वो टारगेट पे इमीडिएट रीच करेगा। ओके, दैट इज माय एक्सपेरिमेंट नंबर 14 इज कंप्लीट।